टीवी आपकी आवाज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल दौरा शुरू होने वाला है। बर्धमान में जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे रोड शो करेंगे और किसानों से एक मुट्ठी चावल लेने के अभियान की भी शुरुआत करेंगे। साउथ बंगाल का बर्धमान जनता ममता का गढ़ कही जाती है। ममता उनकी पसंदीदा नेता कही जाती है और अपने एग्रीकल्चर के लिए ये जाना जाता है, तभी इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसे वक्त में जब किसानों का आंदोलन अपने चरम पर है, बंगाल के धान के कटोरे में नड्डा की किसान सुरक्षा सभा के कुछ और भी मायने हैं। नड्डा के इस दौरे की अहमियत हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। बीजेपी का लक्ष्य अब बंगाल का गढ़ दक्षिण है। बीजेपी ने दक्षिण के किले पर चढ़ाई का आरंभ कर दिया है। बर्धमान शहर की सड़कें कमल छाप झंडों से पटी पड़ी हैं। शहर का मशहूर ऐतिहासिक कर्जन गेट बीजेपी के झंडों से घिरा है। शहर को आने जाने वाली सड़कों पर नेताओं के कटआउट लगे हैं। झंडे पताके बांधते नौजवानों की टोली बता रही है पार्टी के पास यहां युवा कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। बर्धमान के नौजवानों में बीजेपी की पैठ बढ़ी है। किसी भी पार्टी के लिए ये बड़ी सियासी कामयाबी है। एक समय बर्धमान सीपीएम का गढ़ माना जाता था। हाँ जी। आज की क्या स्थिति है? आज तो पूरा बर्धमान बीजेपी के राज में चल रहा है। पूरा सबको हम लोग एक साथ मिलके पूरा बर्धमान में हम लोग का जो अभी ग्रुप है, जो हम लोग का एकता है, हम लोग का सारा एकता पूरा बीजेपी को होके जेपी नड्डा का पूरा स्वागत में हम लोग लगे हुए हैं। इस बार तो हम लोग भारी मतों में जीत करेंगे। इस बार हम लोग इस बार 200 से ज्यादा पार करेंगे हम लोग। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इस बार 200 पार होगा। बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और जेपी नड्डा का विजिट है, काफी लंबा प्रोग्राम है, काफी प्रोग्राम है और यहाँ पे वो रोड शो करेंगे वर्धमान शहर में। रोड शो छोटा है लेकिन समय ज्यादा है, लगभग 1 घंटा 10 मिनट का ये रोड शो होगा। वर्धमान शहर की इन तैयारियों तक ही महदूद मत रहिए, क्योंकि जेपी नड्डा का असली टारगेट वर्धमान शहर से 60 किलोमीटर दूर है। पूरब वर्धमान जिले की खेतिहर और ग्रामीण आबादी है। इस दौरे में हो रहे कार्यक्रमों का मकसद डीकोड करें, उससे पहले जरा पूरब वर्धमान जिले की सियासी सूरत ठीक से समझ लीजिए। पूरब वर्धमान में 2 लोकसभा और 16 विधानसभा सीटें हैं। पूरब वर्धमान लोकसभा सीट पर टीएमसी के सुनील मोंडल एमपी हैं। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट 2019 से बीजेपी के पास है। हालांकि टीएमसी के सुनील मोंडल भी अब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन 16 विधानसभा सीटों में 14 पर टीएमसी का कब्जा था। 2 सीटों पर लेफ्ट के विधायक काबिज थे। 2011 से पहले तक वर्धमान लेफ्ट का ही गढ़ माना जाता था, मगर बुद्धदेव सरकार के रवैये ने यहां ममता बनर्जी को पैठ बनाने में मदद की। लेफ्ट का लगभग सफाया हो गया। पश्चिम बंगाल का वर्धमान शहर काफी पुराना और ऐतिहासिक शहर है और एक समय यहां पर सीपीएम का एक छत्र राज हुआ करता था और कई सालों तक ये राज सीपीएम का वर्धमान शहर में चला। इसके बाद टीएमसी आई, टीएमसी ने सीपीएम को उखाड़ फेंका, फिर टीएमसी का राज चला और अब तक यहां पर टीएमसी का राज है। अगर हम पश्चिम वर्धमान की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां से सीटें जीती, लेकिन पूर्व वर्धमान में बीजेपी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन एक कामयाबी कुछ दिनों पहले बीजेपी को तब मिली जब यहां के सांसद सुनील मंडल ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपको मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, पूरी की तरह भगवा रंग में रंग गया है वर्धमान शहर। बीजेपी के झंडे चारों ओर दिख रहे हैं, कटआउट लगाए गए हैं, जेपी नड्डा के कटआउट लगाए गए हैं, मुकुल राय के कटआउट लगाए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो भी आला नेता हैं सभी के कटआउट इस वक्त वर्धमान शहर में हमें देखने को मिल रहे हैं। 34 साल तक लेफ्ट, उससे पहले कांग्रेस और तकरीबन 10 साल टीएमसी के कब्जे में रहा वर्धमान एक बार फिर कसमसा रहा है। बीजेपी इस कसमसाहट को महसूस कर रही है और बड़े नेता काम पर लग गए हैं। इस वक्त हम लोग वर्धमान शहर के सबसे मशहूर लैंडमार्क लॉर्ड कर्जन गेट के सामने हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं खूबसूरत सा ये लॉर्ड कर्जन गेट है, वर्धमान शहर का मशहूर लैंडमार्क है। कठुआ जिले में जो सुनो चासी बाई किसान ग्राम पंचायत करके किसान के घर में भोजन करके जो 10 मुष्टी जो है अनाज जो है चावल जो है 10 परिवारों से लेने के बाद
वो यहाँ पर भोजन करने के बाद में वो यहाँ पर आएंगे। हेलीकॉप्टर से यहाँ तक के आने के बाद में पार्टी कार्यालय, पार्टी कार्यालय से निकल करके वो जो हमारा जो यात्रा है यहाँ से शुरू करके हम इस गेट तक जाएंगे। जी कितना है? लगभग 1 किलोमीटर? लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर है, 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के आसपास का ये दूरी है। इसके बाद में मंदिर दर्शन का कार्यक्रम, फिर हमारी कोर कमेटी की बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। ये बीजेपी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे, साथ ही साथ किसान के सहारे। जेपी नड्डा का पूरब बर्धमान में मुख्य कार्यक्रम, जिसे आप सार्वजनिक कार्यक्रम भी कह सकते हैं, वो बर्धमान जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर काटवा में है। बंगाल के उन चुने हुए इलाकों में है पूरब बर्धमान जो खेती पर डिपेंड है। यहाँ की जमीन खेती के लिए उर्वर है और चावल के अलावा आलू, सरसों, दाल और कई अन्य किस्म की फसलें पैदा होती हैं। बीजेपी ने मौका देखकर चौका मारा है। बर्धमान जिले के काटवा में जहां जेपी नड्डा किसान सुरक्षा सभा करने वाले हैं, उसी के पास एक पोस्टर हमें देखने को मिल रहा है ममता बनर्जी का, कृषि बिल वापस लेना होगा। और ममता बनर्जी शुरू से ही काफी वोकल रही हैं, जो कृषि बिल है उसको वापस लेने की मांग कर रही हैं। और अभी हाल में उन्होंने कह दिया है कि वो असेंबली में एक रेजोल्यूशन भी लाएंगी इस कृषि बिल के खिलाफ। तो एक जो मुख्य कंटेंशन अभी दोनों के बीच में है, बीजेपी और टीएमसी के बीच में, वो है कृषि बिल। एक तरफ बीजेपी कृषि बिल के समर्थन में लगातार बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी कृषि बिल हटाने को लेकर लगातार बात कर रही हैं और असेंबली में रेजोल्यूशन भी लाने वाली है। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। ममता बनर्जी आंदोलनकारियों के समर्थन में बयान दे रही हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाली है। पीएम किसान योजना को लेकर ममता और केंद्र में भिड़ी हुई है। ममता चाहती हैं ये धन उनके जरिए किसानों को बांटा जाए। बर्धमान जिला जो है, खासतौर पर जो पूर्वी बर्धमान है, वो कृषि प्रधान जिला है और पश्चिम बंगाल के सबसे उपजाऊ और उर्वर जिलों में से एक होता है। अब मेरे पीछे आसपास अगर आप देखें तो हर तरफ खेत ही खेत दिखाई देंगे, सरसों की फसल दिखाई देगी, तो कहीं धान है, कहीं पर आलू है, अभी सब्जियों का मौसम है तो तरह तरह की सब्जियां भी अभी यहां पर लगी हुई हैं और 3-4 फसल होती हैं यहां पर। ऐसे में यहां पर आना किसानों से जुड़ना है और जो राजनीति की धुरी है वो यहां पर आकर अब बदल रही है। बमुश्किल 1-1.5 सप्ताह का वक्त है, ऐसे में धुरी अचानक से बदल रही है इस बार। अब कृषि, किसान, खेती, ये हो गई है पश्चिम बंगाल में राजनीति की धुरी। ऐसे में बीजेपी अगर बंगाल में किसानों से जुड़ने की मुहिम में लगी है तो यूं ही नहीं, पार्टी का एजेंडा वाया बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब का किसान है। ग्रामीण किसानों और आदिवासियों के घर भोजन की जो परंपरा अमित शाह ने बांकुड़ा और बोलपुर से शुरू की, वो काटवा में भी जारी रहेगी। काटवा में जेपी नड्डा मथुरा मंडल के घर भोजन करेंगे। इस वक्त हम लोग काटवा सब डिवीजन के मुस्तुली गांव में हैं और मुस्तुली गांव के जिस घर में हैं वो मथुरा मंडल का घर है। यही वो घर है जहां पर जेपी नड्डा भोजन करेंगे। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जो बंगाली घरों में होता है आलपना जिसको बोलते हैं, उसका काम किया जा रहा है। बड़ा सुंदर तरीके से यहां पर आलपना सजाया जा रहा है और जो सजा रही है उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम बोईसाकी है। हाँ, तो जेपी नड्डा आ रहे हैं? हाँ, मेरा गांव से जेपी नड्डा आया है। क्या लग रहा है क्या? ये सजावट क्या उसी लिए हो रही है? हाँ, मेरा खूब आनंद है। आनंद है? क्या करती हो, पढ़ती हो? हाँ, मैं 10 साल 10 क्लास में पढ़ती हूँ। क्लास 10 में पढ़ती हूँ। पढ़ाई लिखाई ठीक है यहाँ पर? हाँ। शिक्षा की व्यवस्था सही है? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्कूल कितना दूर है यहाँ से? 10 मिनट। 10 मिनट तो कैसे जाती हो, पैदल? नो, साइकिल में। साइकिल में जाती हो? हाँ। तो साइकिल जो दीदी साइकिल दे रही है वो मिली है या अपनी साइकिल है? वो दीदी जो दिया था। सबूत साथी वाली साइकिल? हाँ, है। हाँ। सबूत साथी वाली साइकिल इस्तेमाल करती है लेकिन घर में खिला रही है जेपी नड्डा को। हम आपको दावत का मेन्यू भी बताएंगे, बल्कि बताएंगे नहीं, मथुरा मंडल की पत्नी के मुंह से सुनवाएंगे। पकवानों के बंगला नाम आसानी से समझ में आए इसलिए लिखकर हिंदी में भी बताएंगे। भात रोटी, रोटी अच्छे तार संगे आर की भात अच्छे, तारपर साग भजा, बेगुन भजा, आलू भजा, एकटा 5 रकम दिए सब्जी, एकटा जाके सुक्त बला है, आर मुगेर डाल, सब्जी डाल आर की,
আর একটা ফুলকপি সবজি আর কি, চাটনি, বেগনি, পায়েস, খাজুরি গুড়ে মিষ্টি আর কি। মিষ্টি কিসের খাওয়াচ্ছেন? খাজুরি গুড়ে, নারকেল গুড়ের মিষ্টি, রসগোল্লা। হ্যাঁ, जनता से जुड़ना और जनता को जोड़ना बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का एक जरूरी पार्ट है। इस घर में आकर जेपी नड्डा खुद को गांव के किसान परिवार से जोड़ लेंगे, मगर उससे अहम है मैसेज को पूरे गांव में फैलाना और गांव के बाकी घरों को भी पार्टी से जोड़ना। इसके लिए मुष्टि भिक्षा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा के हाथों यही होगी। मुष्टि भिक्षा बोलता है उसको, यहाँ पे खाने के बाद जेपी नड्डा जी आसपास का दो तीन घर में जाएगा, उसका कुछ भिक्षा लेंगे, वो चावल भी हो सकता है और घरों का जो अपना खेत का सब्जी हो, सब्जी भी दे सकता है घर वालों ने। वो एक्चुअली उसको मुष्टि भिक्षा बोलता है, मुष्टि भिक्षा मांगेंगे। अच्छा, वो क्यों करेंगे? वो मुष्टि भिक्षा लेके क्या होगा, मुष्टि भिक्षा लेने के बाद वो गाँव में बहुत सारे गरीब किसान रहता है, जिसका भूख लगता है, खाने के लिए सब कुछ नहीं मिलता, उस लोगों के लेंगे चावल बनेगा और उसको बांटेंगे हम लोग। मुष्टि भिक्षा या एक मुठो चाल यानी एक मुट्ठी चावल, इस अभियान के तहत ग्रामीणों के घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भिक्षा मांगना आगे भी जारी रहेगा। भिक्षा में मिलने वाली सामग्री को इकट्ठा करके गांव-गांव में भोज का आयोजन किया जाएगा। और अगर मैं अब हिसाब किताब बताऊं सियासी, तो उसके मुताबिक पूर्व बर्धमान में 16 विधानसभा की सीटें हैं और पिछले विधानसभा का अगर हिसाब हम देखें तो लगभग 13 विधानसभा पर टीएमसी जीती थी। तो ये एक बहुत पक्का गढ़ टीएमसी का रहा है, जिसे इस वक्त तोड़ने की कोशिश में ये सभा हो रही है। अब खास तौर पर बीजेपी का ध्यान इस वक्त दक्षिण बंगाल पर है, इससे पहले बोलपुर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और बोलपुर से थोड़ी ही दूरी पर है ये काटवा जगह। लेकिन काटवा में एक फ़ायदा बीजेपी को ये है कि पिछले बार लोकसभा जो चुनाव हुआ, काटवा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर उसको काफ़ी अच्छी बढ़त मिली थी। ऐसे में काटवा को इसीलिए चुना गया है ताकि यहाँ पर जो बढ़त है उसको और आगे बढ़ाया जा सके और जो टीएमसी का किला है उसको तोड़ने की एक और पुरजोर कोशिश की जा सके। बीजेपी ने इस आयोजन के लिए काटवा का चयन क्यों किया, यह आपको अनुपम मिश्र ने बता दिया। इस इलाके में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को जोरदार बढ़त देखी गई। दक्षिण बंगाल में ममता का गढ़ जीतने के लिए शायद इससे बेहतर जगह नहीं होगी, वो भी तब जब ममता का एक सांसद बीजेपी के खेमे में आ चुका हो। मगर बड़ा सवाल ये कि गांव से बाहर और शहरों के हाशिए पर पड़ी काटवा कस्बे की जनता पार्टी यानी बीजेपी को लेकर क्या सोचती है, ये जानना भी जरूरी था। अनुपम ने रेलवे स्टेशन के करीब राहगीरों से लेकर दुकानदारों तक सबसे बात करने की कोशिश की। आम आदमी का कुछ नहीं होगा, देखिए गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, सब भी बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारी जो रहता है वो लोग सब पैसा मिलता है, किंतु बेसरकारी कर्मचारी को क्या मिलता है, कितना कल का खाना बंद हो गया, सब कुछ आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा, ये एक नाटक है। सब पार्टी का नाटक है, सब पार्टी का ही नाटक है, वोट का आगे ऐसा होता है, वोट का आगे अब वोट हो जाएगा कोई कुछ का नहीं दिखा, पाँच वर्ष कोई किसी का करो कुछ नहीं दिखा। एक्चुअली पॉलिटिकल के हिसाब से हम लोग आम आदमी जो है हर चीज सच नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि चारों तरफ दबाव है, तो सच बोलना भी तो एक कड़वा सच जो है वो तो है ही है। तो अधिकतर आदमी सभी जानते हैं जे कड़वा सच क्या है, तो इसी ढंग से हम लोग अभी क्या करें, आम आदमी है, हम स्कूल में सर्विस करते हैं, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। तो इसी ढंग से जैसे चल रहा है, हम लोग भी हाँ पे हाँ मिला के चल रहे हैं। देख रहे हैं तो थोड़ा सा माहौल चेंज होने का प्रकृति में है, बदलाव हो रहा है, क्या होने का चल रहा है प्रयास, तो पता नहीं क्या होने वाला, जो होगा शायद अच्छा ही होगा आने वाला पल, अगर बदलाव होता है तो अच्छा होगा, शायद अच्छा होगा। हमारा तो जमीन नहीं है, हमारा पास कोई पैसा नहीं देगा। आप काम करते हैं खेत में? खेत में काम करता है। आप क्या बोलते हैं? क्या बोलेगा साहब, हम लोग गरीब आदमी है, किसी काम मिलता है नहीं मिलता है ये हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, गरीब आदमी का भी घर भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, जो बड़े लोग है उसकी भी मिलता है, जिसका घर है जमीन है उसका घर मिलता है, गरीब आदमी खासे जाएगा है वो भी कुछ नहीं मिलता है हम लोग को, कोई फायदा नहीं हो। नहीं, पार्टियां अपनी चुनावी संभावना को लेकर भले ही उत्साहित हों,
बीजेपी और टीएमसी लगातार संघर्ष में हो, मगर जनता अब भी उसी भाव में है। उसे लगता ही नहीं देश की राजनीति उसका जरा भी ख्याल रखती है, खासकर चुनाव से आगे। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। क्यों अहम मानी जा रही है यह मीटिंग, डिटेल्स बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।